मेरे सभी बेरोज़गार दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हैं तो हम आप लोगों के लिए कुछ सरकारी रोज़गार समाचार लेके आए हैं। वीडियो पसंद आए ज़रूर देखिएगा। मुझे मालूम है आप लोग जो है हमारा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन दोस्तों देख लिया करिए। आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही मैं बनाता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं आपको जॉब बताऊँ, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं समझता हूँ एक बेरोज़गारी क्या होती है, कैसे दूर करना है मेरा दायित्व बनता है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको हरदम बताता हूँ। इसलिए वीडियो को हरदम पूरा देखा करिए ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताएं आपको कम समय में मिल सके। मुझे मालूम है आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मत कीजिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए ही मैं ये सारे वीडियो बनाता हूँ, तो आप जो है पूरा वीडियो देखिए। और हम जो है बहुत सारी चीज़ें मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बहुत मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। दोस्तों आप भी सोचते हो, आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, आपका भी मेहनत का फल मिलना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप कोशिश में लगे रहो, सरकारें का काम है, सरकार जो अपनी काम कर रहे हो करती रहेगी, आप लोग को उल्लू बनाते रहेगी। तो आप लोग उल्लू मत बनिए, आप जो है हमारी इन्फॉर्मेशन पर गौर किया करिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर बताते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में दोस्तों आज हम जो है यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में आए हुए इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज़ बताएंगे। यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट है, 14 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है, अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आप पछताते रह जाओगे ज़िंदगी भर। क्योंकि दोस्तों हर एक वैकेंसी आए आप अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, तभी जाके आपको कुछ होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है 50 असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकल रखी है। तो बात करते हैं, ये जो है आपका परमानेंट वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड में। कहाँ से देखना है नोटिफिकेशन, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है quicktechnew.com, ये वेबसाइट है दोस्तों। मुझे मालूम आप इस वेबसाइट पर विजिट नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों आप वेबसाइट में विजिट कीजिए, नहीं तो आपको ज़िंदगी भर पछताना ही पड़ेगा, जैसा कि आप अभी पछता रहे हो। तो उसी उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है दो तरह की है, एक जनरल ड्यूटी है, एक दूसरा जो है टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे हालांकि बहुत कम पोस्ट है, 10 पोस्ट है, और जो जनरल ड्यूटी वाले हैं उसमें 40 पोस्ट है, टोटल जो है 50 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। तो आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट और यहाँ पे बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, जो जनरल ड्यूटी वाले हैं उसके लिए बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है इनका सब्जेक्ट होना चाहिए टेंथ और ट्वेल्थ तक। और ट्वेल्थ क्लास में दोस्तों आपका जो है यहाँ पे मैथ फिजिक्स वगैरह इस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बीएससी के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साइंस वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं, मैथ फिजिक्स होना ज़रूरी है। अब इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बात किया जाए, तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं अगर उनके लिए देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, नेवल आर्किटेक्चर एलिजिबल है, मैरीन ऑटोमेटिव, देन दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट भी फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखोगे तो जितनी भी कोर ब्रांचेस हैं सारी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो काफ़ी अच्छा मौका यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों 1 जुलाई 1997 के कैंडिडेट जो है यहाँ पे, इसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम जो है एज लिमिट और मैक्सिमम जो है 25 साल जो है 18 से लेकर 25 साल के जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है आपके परसेंटेज के बेसिस पे जो आपको यहाँ पे पहले जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पे जिसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, और जो यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे टेस्ट जो है आपको यहाँ पे, जैसे हम SSB कहते हैं, उसके लिए जो है आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। और ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा दोस्तों आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, नहीं तो आपके लिए वेस्ट फॉर्म है, बेकार फॉर्म है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको SSB अगर आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसके रिगार्डिंग जो है रिप्लाई करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके बारे में जानते हैं, तो मुझे बार बार ये चीज़ रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं जितना कम समय होता है उतने कम समय में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पर जो है किसी प्रकार कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है, फ्री का फॉर्म है, आराम से फॉर्म को फिलअप कीजिए। लास्ट डेट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि यहाँ पे 14 जुलाई जो इसकी लास्ट डेट है, तो आप जो है 14 जुलाई से पहले जो है फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, और 20/7 को जो है इसका एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस है, हालांकि ये जो डिफेंस कंपनी है उसकी वैकेंसी, इसलिए यहाँ पे जल्दी प्रोसेस होगा। तो आप जो है अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो अगर आप दूसरी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, IGCAR का जो एग्ज़ाम है, जो लास्ट डेट है उसका बढ़ चुका है। तो आप जो है फ्रेशर्स हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पर जो है UDC
टेंथ के, ट्वेल्थ के, आईटीआई के, डिप्लोमा के, बीटेक, सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप जो है वो वीडियो देख लीजिए, और यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कस किया हुआ है तो वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप दोस्तों फिर आप कहोगे कि हमने कुछ बताया नहीं है। तो आप जो है इन वीडियो को देखिए, आपको सारे वीडियोस जो हमारे चैनल में जो भी मिलती है इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी मिलती है। मैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप लोग के लिए इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग लायक हो ही नहीं सच बहूँ तो, इसलिए मुझे भी मन नहीं करता है। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरे जो साथी बेरोज़गार दोस्त हैं वो भी रोज़गार पा जाएँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत करता हूँ। तो चलिए, आप जो है नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे एक बार फिर बता दूँ आपको, जो है यहाँ पे क्विक टेक ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक नहीं बहुत ढेर सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी आपको। मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज जो है यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस वेबसाइट पे ज़रूर जाइए, आप वीडियो भले पूरा देखिए ना देखिए, लेकिन इस वेबसाइट को आप जो है डेली विजिट कीजिए, मेरी बात मानिए दोस्तों, अगर आपको वाकई सीरियस हैं जॉब के लिए तो आप ये वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए, नहीं तो दोस्तों आप अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने मम्मी पापा का पैसा तो वेस्ट कर ही दिए हैं, तो उससे खैर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे मालूम है पैसे की क्या कीमत होती है। तो आप जो है इस वेबसाइट पर जाइए, एक बार फिर बता दो ये वेबसाइट जो है आप quicktechnic.com, यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, इसके बाद दोस्तों जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है मान लीजिए तो आप कमेंट कीजिए, देन नॉन टेक्निकल की वैकेंसी जो है यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे टेक्निकल की वैकेंसीज मिल जाएगी, जितनी भी टेक्निकल वैकेंसीज यहाँ पे होंगी सारी भी मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, देख सकते हैं ब्रह्मोस अधिकार हर जगह जो है यहाँ पे बताया गया है। देन दोस्तों यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी जैसे जिंदल स्टील, एरोस्पेस कंपनी, एशियन पेंट, TCS कंपनी, इंडिगो एयरलाइंस में, टाटा पावर में, जिंदल में, टाटा मोटर्स में, एस्ट्रिया एरोस्पेस में, बहुत सारी वैकेंसी हमने बताई हुई है। इसके बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पे और भी चीज़ें पा सकते हैं, तो दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और ज़रूर सरकारी नौकरी पाइए, हमें बहुत खुशी मिलता है आप लोग अगर आगे बढ़ते हो तो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो एक बार फिर बता दूँ आपको इस वेबसाइट विजिट करना है, और हमारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो है उसको भी एक बार आप देख लीजिए, अगर यूज़फुल हो तो ज़रूर देख लीजिए, कि 5-10 मिनट में दोस्तों कुछ नहीं जाता, आप 10-20 घंटा फेसबुक यूज़ करते हैं मुझे मालूम है, दिन भर यूट्यूब में बिजी रहते हैं, फालतू फालतू लोगों का वीडियो देखते हैं जो अप्रेंटिस को भी जॉब बता के आपको बताते हैं, उनका व्यू मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, मैं आपको यहाँ पर रियलिस्टिक जॉब बताता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे चैनल में कितने 100-200 लोग देखते हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, 100-200 देखते हैं, तो मतलब मुझे खुद शर्म में आती है, लेकिन दोस्तों मैं करूं तो करूं क्या, इसलिए कह रहा हूं दोस्तों आप जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बाकी हम लगे हुए हैं, भगवान से भी कोशिश कर रहे हैं कि भगवान से भी हमारा संपर्क हो जाए और आप लोग को जो है जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी सरकारी जॉब तमन्ना है वो पूरी हो जाए, बाकी तमन्ना भाटे के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। चलिए स्टार्ट, यहाँ पे हम वीडियो को तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, अब एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।